अश्विनी, इस बीच में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्या सामंजस्य बन रहा है? क्योंकि हमने बीच में देखा था कि आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे थे, और अब जब कोरोना इतनी गंभीर स्थिति में आ गया कि दोबारा लॉकडाउन लग सकता है, तो क्या दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं? कर रहे हैं तो किस दिशा में कर रहे हैं? क्या योजनाएं हैं उन दोनों की? जी देखिए, जिस तरह से कोरोना का ग्राफ इतनी तेजी से महाराष्ट्र में बढ़ा है, इसके लिए केंद्र सरकार भी चिंतित है, और केंद्र सरकार ने बकायदा एक टीम भेजी थी जिसका काम यह था कि किस तरह से तैयारियां हुई हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा था कि जो इंतजाम अभी फिलहाल महाराष्ट्र में किए गए हैं वो नाकाफी हैं, इससे ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो और भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। और ये तमाम बातें जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी सीएम और पीएम के बीच में, उसमें भी जो है उसका भी जिक्र किया गया था। इसमें देखिए, एक टीम वर्क के तौर पे काम करना होगा। ये दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये बातें पूरी तरह से समझ में आती हैं। आरोप प्रत्यारोप जो है ये एक विषय अलग हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दोनों एक साथ मिलकर काम करें। जो केंद्र सरकार उस दिशा में कई मुद्दों पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ है, खासतौर पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही अपील की गई थी कि जो 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको फ्लैट जो है पूरी तरह से कोरोना का टीका लगाने के लिए मंजूरी दी जाए, जिसे केंद्र सरकार ने माना भी है। तो एक सामंजस्य है दोनों ही सरकारों के बीच में, बस इसे लगातार एक टीम वर्क के तौर पर अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो कोरोना को मात देने में बहुत ज्यादा देर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात शायद लोगों को समझनी है कि उस टीम वर्क में जब तक लोग हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक शायद इससे निजात नहीं मिल सकता। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।